और वही जो लतरदार किस्म है, तो लतरदार किस्म में हमारा केंद्र से 3 उन्नत किस्म का विकास हुआ है जिसका खेती किसान भाई यहाँ से बीज प्राप्त करके कर सकते हैं। तो उसमें सर्ण श्वेता है जो करीब करीब 30 सेंटीमीटर लंबी, इसका फली सफ़ेद रंग के होते हैं और करीब 55 दिन में तुड़ाई योग्य हो जाती है और उपज क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर के दर से है। और सर्ण हरिता ये बहुत लंबी वाली है, बहुत गहरे हरे रंग के होते हैं, गोल गुदेदार है और 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टर जिसका उपज क्षमता है, 50 दिन में पहला तुड़ाई शुरू हो जाती है। और इसमें जैसे जैसे पौधा बढ़ने लगता है जो लतेदार किस्म में आपको सहारा देने का आवश्यक है। और बुआई के बाद जैसे जो कि गर्मी फसल है, एक हल्की सिंचाई कर देना जिससे अच्छा अंकुरण हो। और गर्मी फसल में सिंचाई के लिए हफ्ता में करीब 2 बार पानी देने की आवश्यकता होगा। जो लोग उन्नत तरीके से खेती करते हैं, जैसे बहुत किसान यहाँ पर ऊंचा बेड पर प्लास्टिक मल्च लगा के और टपकन विधि से सिंचाई देके खेती कर सकते हैं, तो वहाँ तो हम रोज़ 1 घंटा मतलब ड्रिप चलाते हैं, तो उससे उनका ज़रूरत पूरा हो जाता है। तो ये है। और ये इसमें विशेष करके जो हमारा जब फूल आ जाता है इसमें, तो फूल से 15 से 20 दिन में तुड़ाई योग्य हो जाती है। तो इसको वर्गीकरण करके फलियों को फिर हम बाजार भेज सकते हैं। बीमारियां होता है वो है एंथ्रैक्नोज बीमारी। तो एंथ्रैक्नोज बीमारी से पत्तियों पर फलियों पर काले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियाँ सूख के मर जाती हैं। तो इसके लिए रोग रहित मतलब स्वस्थ पौधा से बीज संग्रह कर उसी को बुआई करना चाहिए। और खाड़ी फसल में डाइथेनियम 45 दवा जो फफूंदी नाशक है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एक तना लंचन होता है जिसमें मिट्टी के निकट वाला जो तना है वो उसमें भूरे रंग का धब्बा पड़ता है, पौधा सूख के मर जाता है। तो उसके लिए भी हमको स्वस्थ पौधा का बीज ही बुआई करना चाहिए। और बीज को उपचार करके जैसे बबिस्टिन दवा 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर तब हम बुआई करेंगे तो इससे हमको छुटकारा मिल सकते हैं। इस तरह से वैज्ञानिकों की बातों का ध्यान रखकर यदि बूंदी की खेती की जाए तो उनका उत्पादन बढ़ सकता है और किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो सकता है।